नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्क एकेडमी के वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के अंतर्गत दो दिन यानी 27 से 28 जनवरी 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट career-academy.com पर कर सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में विशेष रेडियो कार्यक्रम परीक्षा की तैयारी का प्रसारण कब किया जाएगा? मध्य प्रदेश में विशेष रेडियो कार्यक्रम परीक्षा की तैयारी का प्रसारण 28 जनवरी 2020 को किया जाना है। मध्य प्रदेश में पांचवी और आठवीं कक्षा की आगामी वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में विशेष रेडियो कार्यक्रम परीक्षा की तैयारी 28 जनवरी 2020 को इसका प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी प्राथमिक एवं विविध भारती प्रसारण केंद्रों में पूर्वाह्न 11:30 से 12 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपकी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। छतरपुर का प्रसिद्ध राजगढ़ पैलेस किस महाराजा का महल था जो उन्हीं के नाम से है? ये छतरपुर का प्रसिद्ध राजगढ़ पैलेस एक होटल है और ये महाराजा भवानी सिंह के नाम से था, उन्हीं का यह ये महल था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं, चर्चा में चल रहा है, हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर 1978 को संरक्षित स्मारक घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद 11 सितंबर 1995 को राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 20 नवंबर 1918 को जारी अधिसूचना वापस लेते हुए घोषित किया गया था राजगढ़ पैलेस अब संरक्षित स्मारक नहीं रहेगा। 11 सितंबर 1995 को ही राजगढ़ पैलेस पर्यटन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। एक साल के भीतर 2 सितंबर 1996 को 5 करोड़ रुपए के प्रीमियम के एवज में राजगढ़ पैलेस को ओबेरॉय ग्रुप को लीज पर दे दिया गया था। इसी के संबंध में एक याचिका हाईकोर्ट में चल रही है। मध्य प्रदेश में गौशाला के लिए चारा भूसा का दैनिक अनुदान 3 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है? ये जो प्रतिदिन किया है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से है आपका, ये 20 रुपए कर दिया गया है। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आवास मिशन के आवासहीनों को किराए पर मकान मिलेंगे, जिनका कितने साल तक किराया देने के बाद मकान हितग्राही का हो जाएगा? दोस्तों, इंपोर्टेंट है, आप समझिए इसको, क्वेश्चन को। ये आवासहीनों को किराए पर मकान मिलेंगे, सरकार देगी और 15 साल तक यदि किराया देता है तो हितग्राही का वह मकान हो जाएगा, यानी इसके लिए 15 साल तक किराया देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर पट्टा पाने की आवश्यक शर्त क्या है? ये आवश्यक शर्त है कि कोई भी वनवासी हो, आदिवासी हो, वह 13 दिसंबर 2000 पूर्व से काबिज है तो उसे पट्टा दिए जा रहे हैं, जिसका ये मध्य प्रदेश के वन मित्र में आवेदन हो रहे हैं अभी फिलहाल। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति और अनपरंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अंतर्गत ये वन भूमि पर पट्टे दिए जा रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुनीता चंद्रा का निधन हो गया है, इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था अर्जुन पुरस्कार। ये भोपाल की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में सुनीता चंद्रा का राजधानी में स्थित यानी भोपाल में स्थित आवास में उनका निधन हो गया है और ये हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। राइट टू वाटर यानी जल का अधिकार के तहत मध्य प्रदेश के लोगों के घर तक नल से पानी पहुंचाने की योजना में कितने गांवों को शामिल किया गया है? अभी हाल ही में दोस्तों ये राइट टू वाटर अधिनियम बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में और इसमें 14,000 से अधिक यानी अभी लगभग 14,500 गांवों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना इसमें 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राइट टू वाटर के तहत प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों के घर तक नल से पानी पहुंचने की कोशिश चल रही है मध्य प्रदेश शासन की। इसके लिए जल निगम ने 22,500 करोड़ रुपए की DPR बनाई है यानी कार्य योजना बनाई है 22,000 करोड़ की, 22,500, ये ध्यान दें, 22,500 करोड़ की कार्य योजना बनाई है। इसमें मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता को कितने लाख हेक्टेयर तक रखने का लक्ष्य रखा गया है? मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता को कितने लाख हेक्टेयर तक रखने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 60 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य प्रदेश में अब इंटरव्यू और प्रमोशन समितियों में किस वर्ग के प्रतिनिधि को रखना आवश्यक किया गया है? मध्य प्रदेश शासन के अनुसार ये जो भी प्रमोशन होता है या इंटरव्यू होता है मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर कोई भी विभाग में प्रमोशन होता है उसमें समितियों में ये अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि को रखना आवश्यक किया गया है मध्य प्रदेश शासन ने। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए नई योजना कौन सी शुरू की जाएगी? मध्य प्रदेश में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए नई योजना भविष्य के नाम से शुरू की जाएगी। इसका मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में इसका जो है वो घोषणा की है। भविष्य योजना से लगभग 30 लाख टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने की योजना है। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार के लिए इसमें लगने वाली 27 अनुमतियों की संख्या को घटाकर कितनी कर दिया गया है? मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार के लिए इसमें लगने वाली 27 अनुमति को लेना पड़ता था, अब केवल 5 अनुमतियों को ही लेना पड़ेगा, यानी 27 से अनुमतियों को घटाकर 5 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये लीला जोशी हैं, देख रहे हैं आप, तो ये किया गया है, इसका आंसर निकल के आ रहा है। ये रतलाम की रहने वाली हैं, रतलाम जिले की हैं, वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर लीला जोशी को भारत की टॉप 100 वुमेन अचीवर में भी पुरस्कार मिल चुका है पूर्व में। मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी के अतिरिक्त कितने प्रतिशत राशि से जिला खनिज निधि स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी की अतिरिक्त 30% राशि से जिला खनिज स्थापित की गई है। मुख्य खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी के अतिरिक्त 30% राशि से जिला खनिज निधि स्थापित की गई है। यह निधि लीज होल्डरों द्वारा ली जाती है। इस राशि का प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए प्राथमिकता भी तय की गई है। इसमें से 60% राशि आपकी पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ये खर्च होती है उस जिले के, तथा 40% राशि अधोसंरचना पर खर्च होती है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा कृषि विजय 2020 के तहत पश्चिम क्षेत्रीय कृषि मेला का शुभारंभ कब किया जाएगा? ये जो शुभारंभ किया जाएगा 28 जनवरी 2020 को, ये जनवरी है, जनवरी नहीं है, ध्यान दें। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विजय 2020 के तहत पश्चिम क्षेत्रीय कृषि मेले का शुभारंभ प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन सुभाष यादव की मुख्य अतिथि में 28 जनवरी 2020 को होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पशुपालन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री लाखन सिंह यादव करेंगे। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के जो कुलपति हैं वो प्रोफेसर एस के राव हैं। प्रोफेसर एस के राव राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विद्यालय के कुलपति हैं। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। चारा उत्पादन अनुसंधान एवं संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चारा उत्पादन अनुसंधान एवं संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ये किया जाना है आपका भोपाल में। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, चारा उत्पादन अनुसंधान एवं संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ये भोपाल में किया जाएगा। पशुपालन मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण मंत्री लाखन सिंह यादव 29 जनवरी 2020 को प्रशासन अकादमी में चारा उत्पादन एवं संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। साथ में आपके रहेंगे नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर पीडी ज्वाल। डॉक्टर पीडी ज्वाल भी इस कार्यशाला में उपस्थित होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं आप पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके द्वारा कमेंट दिया गया है, नर्मदा एवं ताप्ती की नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी या पहाड़ियां स्थित हैं? इसका जो सही आंसर है और लगभग सभी लोगों ने दिया, ये सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ये जबलपुर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, निम्न में से कहां से लिया गया है, जिसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का मानक समय कहां से लिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया करें, और हम दोस्तों ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कुछ ही दिनों में कि आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करे, और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी career-academy.com पर और मोबाइल ऐप पर डेली अपडेट के साथ कर पाएं। दोस्तों ऐसी हमारी योजना चल रही है, अभी क्या है कि ये दोस्तों इस पर मैं अकेला ही काम करता हूं,
तो ये पीडीएफ कहीं ये है, तो दोस्तों मैं किसी को जो है मैं अपनी हेल्प के लिए करता हूँ, जिससे कि आपको ये जल्दी स्टडी मटेरियल प्राप्त हो जाया करें, जिससे कि आप अपडेट रहें और अपनी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करें दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।